इसमें इसमें पढ़े थे कि कोई भी नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग नाउन के बारे में थोड़ा ही जाने थे, लेकिन आज हम लोग नाउन के बारे में थोड़ा डीप जानेंगे। नाउन किससे कहते हैं, नाउन किससे कहते हैं, नाउन किससे कहते, किसी व्यक्ति जगह जनवर वस्तु विचार या अनुभव ईटीसी के नाम को नाउन कहते हैं। मीन्स दुनिया में जितने सारे चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, उन सारे चीज को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। वो किसी भी मतलब नदी का नाम हो, दीन का नाम हो, कोई भी नाम हो, सब क्या है, नाउन। कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, फिर वो क्या है, नाउन है। जैसे लाइट, लाइट प्रकाश हम छू नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे हवा अनुभव कर सकते हैं, ब्यूटी यानी सुंदरता अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज भी है जो हम उसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फिर भी उसको नाउन से हम जानते हैं। अब आएंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन में, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, तीन नंबर है कॉलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, चार नंबर है मैट्रिनरी नाउन ध्रुववाचक संज्ञा, पांचवा नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस भाववाचक संज्ञा। आधुनिक ग्रामर के अनुसार ये एक को रह जाता है, इस दोनों को मिला के एक बनाता है, इस दोनों को मिला के एक बना देता है, समझ आया। आधुनिक ग्रामर में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन ही रखता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को उन लोग एक कर दिए हैं, और मैट्रियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक कर दिए। इसको बोला गया है काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, जो नाउन को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको बोला गया है काउंटेबल। और इन दोनों को यानी मैट्रियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इन लोगों को अनकाउंटेबल नाउन से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे पुराना ग्रामर के अनुसार ही। कोई किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास जानवर, इस सब के नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाम। जैसे राहुल एक खास व्यक्ति का नाम है, हमारा हो सकता है सीता एक खास लड़की का नाम है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं दिल्ली एक खास शहर का नाम है, जैसे हम लिख सकते हैं पटना एक खास शहर का नाम है, इसीलिए ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। नंबर टू कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, वो किसी एक को खास नहीं करता है। जैसे मान लो हम लिखेंगे बॉय, क्या लिखेंगे, बॉय। बॉय मीन्स क्या, लड़का। कौन यानी दुनिया में जितने सारे लड़का है सबके बारे में यहाँ बोला गया है कि बॉय, इसीलिए बॉय को हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। मीन्स यहाँ कौन है, राहुल है कि मोहन है सोहन है, कोई इसका उल्लेख नहीं है। बॉय मीन्स जितने सारे बॉय हैं सबको एक साथ बोला गया, इसलिए बॉय क्या हो गया, मेरा कॉमन नाउन। जैसे हमारा हो सकता है गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल। गर्ल भी क्या है, कॉमन नाउन। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन। जैसे बोला जाएगा सिटी क्या है, सिटी क्या है, शहर। कॉमन नाउन कौन सा है, दिल्ली शहर, पटना शहर, मुंबई शहर, कौन सा है, इसीलिए हम लोग सिटी को भी क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूह, जो नाउन से हमको गुच्छा मतलब टीम जैसा समझ में आएगा, दल जैसा समझ में आएगा, उस तरह के नाउन को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। टीम भी हो सकता है, टीम क्या है, गुच्छा है। आपका फैमिली भी हो जाएगा, एफ ए आई एम एल वाई, फैमिली हो सकता है, क्लास हो सकता है, क्या हो सकता है, क्लास हो सकता है, उसके बाद आर्मी भी हो सकता है। तो जो सबसे गुच्छा या समूह का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब आते हैं मैट्रियल नाउन। मैट्रियल नाउन मीन्स जो चीज को हम गिन नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उस तरह के नाउन को हम क्या बोलेंगे, मैट्रियल नाउन। जैसे राइस, आर आई सी, राइस मीन्स चावल, चावल को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन उसको नाप सकते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क गिन सकते हैं,
will, tell गिन सकते हैं? नहीं। water गिन सकते हैं? नहीं। लेकिन इन सबको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, इसीलिए सब क्या है? मैटेरियल नाउन। समझ में आया? अब आते हैं abstract nouns. Abstract nouns means भाव वचक संज्ञा। Abstract noun means भाव वचक संज्ञा। Means जो noun से ऐसा शब्द जिस शब्द को हम या जिस नाउन को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रीडम, क्या जाएगा? फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, जो स्वाधीन है, किसी के अधीन में नहीं, उसको हम बोलेंगे फ्रीडम। या तो आ सकता है ब्यूटी, क्या सकता है? ब्यूटी, सुंदरता। या तो काइंडनेस, या तो गुडनेस, ठीक है? तो इस सब शब्द को क्या बोलेंगे हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी क्या था जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति वाचक संज्ञा। तो यहाँ राहुल को खास कर रहे हैं। राहुल को क्या कर रहे हैं? खास कर रहे हैं। इसलिए राहुल यहाँ क्या है? प्रॉपर नाउन। राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ सीता को हम क्या कर रहे हैं? खास कर रहे हैं। कोई एक लड़की का नाम लेकर बोल रहे हैं कि वह क्या है? अच्छी लड़की है, इसीलिए सीता क्या है? प्रॉपर नाउन। यहाँ राहुल क्या है? एक खास लड़का का नाम है, इसलिए राहुल भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ दिल्ली एक खास शहर का नाम है, इसलिए दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, समझ में आया? मिस्टर प्रसाद यहाँ खास आदमी का, व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ एक खास दिन का नाम ले रहे हैं, सातों दिनों में से डे नहीं बोल के खास दिन का नाम ले रहे हैं, संडे, इसलिए संडे भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ मार्च एक खास महीने का नाम ले रहे हैं, इसलिए क्या है? मार्च भी क्या है? प्रॉपर नाउन। दोनों में क्या था? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। इसका हिंदी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए तो राहुल या क्या था हमारा? प्रॉपर नाउन था, लेकिन बॉय यहाँ क्या है? कॉमन नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। मींस लड़का कोई खास नहीं है, लड़का कोई खास नहीं है। लड़का मींस दुनिया में जितने सारे लड़के हैं सबका नाम इसी में आ गया, इसीलिए हम लोग बॉय को क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, गुड़गा। तो सीता यहाँ क्या था? प्रॉपर नाउन। लेकिन गाल यहाँ क्या है? कॉमन नाउन। गाल क्या है? कॉमन नाउन मींस जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो दिल्ली क्या था हमारा? प्रॉपर नाउन था, लेकिन बोल रहे दिल्ली इज ए बिग सिटी। सिटी मींस क्या? शहर। कोई खास नहीं है, कोई भी शहर हो सकता है, इसलिए सिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी क्या था? समूहवाचक संज्ञा। मीन्स जो जिस नाउन से कोई गुच्छा हमको समझना है उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। राहुल क्या था? प्रॉपर नाउन था। कैप्टन अलग है, ऑफ द पोजीशन है, या टीम। टीम मीन्स क्या? एक दल। टीम मीन्स क्या है? एक दल, गुच्छा। तो यहाँ टीम क्या हो गया मेरा? कलेक्टिव नाउन। सीता इज सिटिंग इन क्लास, क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग देखेंगे तीन नंबर एग्जांपल। ठीक, फैमिली क्या हो गया? देखिए, नंबर वन, राहुल इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। टीम क्या है? एक गुच्छा है, इसलिए टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। सीता इज सिटिंग इन आवर क्लास, तो क्लास क्या हो गया? एक गुच्छा हो गया, इसलिए कलेक्टिव नाउन। मोहन इज द बेस्ट बॉय इन आवर फैमिली। फैमिली क्या हो गया? एक गुच्छा हो गया, इसलिए फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन। मैटेरियल नाउन क्या था? मैटेरियल नाउन। इसका हिंदी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या था जी?
ध्रुववाचक, ध्रुववाचक संज्ञा, ध्रुववाचक संज्ञा मीन्स जो चीज हम गिन नहीं सकते हैं उसको सिर्फ हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं मटेरियल। जैसे हम लोग यहाँ नंबर वन, तो मिल्क क्या है मेरा मैटेरियल नाउन है, मिल्क क्या है मैटेरियल नाउन, क्योंकि हम लोग मिल्क को गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को क्या नहीं कर सकते हैं गिन नहीं सकते हैं, उसको नाप सकते हैं एक लीटर दो लीटर एक केजी दो केजी, इसीलिए मिल्क क्या है मैटेरियल नाउन। राहुल ए राइस, तो राइस क्या है मैटेरियल नाउन, राइस क्या है मैटेरियल नाउन, क्योंकि राइस को हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन उसको माप सकते हैं तोल सकते हैं, राइस क्या हो गया मटेरियल नाउन। हम लोग राइस खा सकते हैं, आटा खाते हैं और क्या खाते हैं घी खाते हैं, राइस क्या है मटेरियल नाउन, ये क्या है मटेरियल नाउन, घी क्या है मटेरियल नाउन, सबको हम लोग गिन नहीं सकते हैं लेकिन इनको क्या कर सकते हैं माप सकते हैं। ठीक है, चलिए और फटाफट देखेंगे आप नंबर फाइव। नंबर फाइव क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका हिंदी क्या था भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मीन्स होता है जो शब्द मतलब हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं, गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ क्या करते हैं अनुभव करते हैं, तो ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे राहुल इज ए फ्रीडम बॉय, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं राहुल इज ए फ्रीडम, राहुल क्या है स्वतंत्र, तो यहाँ फ्रीडम क्या है फ्रीडम क्या है। इसी तरह बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे हमारा आ जाएगा काइंडनेस, क्या आ जाएगा काइंडनेस आएगा, गुडनेस आएगा, क्या आ जाएगा गुडनेस आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्यूटी भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं ब्यूटी, बी यू ए आई टी वाई ब्यूटी। ठीक है, तो ये सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल देखें, प्रॉपर नाउन है, सीधा क्या है प्रॉपर नाउन है, गाल क्या है कॉमन नाउन, गाल क्या है कॉमन नाउन, यहाँ रामायण क्या है प्रॉपर नाउन है, रामायण क्या है प्रॉपर नाउन, रामायण मींस एक धर्म कर्म किताब का नाम है, ये क्या है प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सुरेश क्या है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए सुरेश क्या है प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट क्या है कॉमन नाउन है, क्या है कॉमन नाउन, स्कूल एक संस्था का नाम है इसलिए क्या है प्रॉपर नाउन है, स्कूल प्रॉपर नाउन नहीं होगा कॉमन नाउन, खास नहीं है ना, क्या नहीं है खास नहीं है इसलिए कॉमन नाउन। काउ क्या है ये भी कॉमन नाउन है, कोई ये नहीं। मिल्क क्या है मिल्क, सोचो सोचो मटेरियल नाउन है, क्या है मटेरियल नाउन, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। गंगा क्या है एक खास नदी का नाम है इसलिए क्या है प्रॉपर नाउन। ठीक है, रिवर क्या है खास कोई नाम नहीं है, नदी है इसलिए क्या है कॉमन नाउन। ठीक है, सांडे खास दिन का नाम है, क्या नाम है प्रॉपर नाउन। ठीक है, और चले जाएंगे सीफा क्या है एक खास लड़की का नाम है प्रॉपर नाउन है, राइस क्या है मैटेरियल नाउन है, और एक कार्ड क्या है ये भी मैटेरियल नाउन है, इसको भी हम गिन ले सकते हैं नाप सकते हैं, रूपाली क्या है खास लड़की का नाम है प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्लास क्या है कलेक्टिव नाउन, क्या है कलेक्टिव नाउन, उषा क्या है एक खास लड़की का नाम है इसलिए क्या है प्रॉपर नाउन, क्लासरूम क्या है ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्या है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आप तुम लोग कुछ एग्जांपल बना के दिखाओ।